ओम शांति। किताब का नाम है साक्षी दृष्टा। पार्ट 6। स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो। सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो। स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो कि जो पार्ट बचाया वह यथार्थ व महिमा योग्य चरित्र रूप में किया। हमेशा महिमा उस कर्म की होती जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साथी बन चेक करो कि महान हुआ या साधारण। जन्म ही अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए, क्योंकि संकल्प ही कर्म में आता है। अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया तो कर्म महान होंगे। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो, तो संकल्प से भी चेकिंग और चेंज, साधारण को महानता में परिवर्तन करो। यह महावाक्य है 16 फरवरी 1978 के। सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव होगा, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पाठ बजाएंगे। तो दोनों ही अनुभव करते हो, अकेले नहीं लेकिन सदा सर्वशक्तिवान का साथ है। जहां साथ वहां सफलता तो स्वतः ही हुई पड़ी है। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकार देते कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। लेकिन अब क्या हुआ, सर्व संबंध से साथी हो गए। झलक व दर्शन अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन संबंध सदाकाल का होता है। तो अब बाप के समीप संबंध में आ गए कि अभी तक भी जिज्ञासु हो। जिज्ञासा तब तक होती जब तक प्राप्ति नहीं। अब जिज्ञासु नहीं, अधिकारी हो। हर सेकंड का साथ है, हर सेकंड में संबंध के कारण समीप है। जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। अब कौन सा साथी बनाया है, अविनाशी साथी। और कोई भी साथी समय पर व सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते। यह जन्म जन्म का साथ है। भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे।
अभी दोनों साथी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वह पा लिया तो खुशी होगी ना, पा लिया है। बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना, इसमें नंबरवार है। शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्तियों को माताओं को सबने नीचे गिराया, अब बाप आकर के ऊंचा चढ़ाते हैं, अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं। तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। शक्ति का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वह चमक चेहरे पर दिखाई देती है। यह कितनी प्राप्ति है। माताएं कभी रोती तो नहीं है, कभी आंखों में आंसू भरते हैं? अब नैनों में रूहानियत आ गई। जहां रूहानियत होगी वहां पर आंसू नहीं होंगे। पांडव आंखों से रोते हैं या मन से? जब सुख के सागर में समाने वाले हो तो रोना कहाँ से आया? रोना अर्थात दुख की निशानी। सुख के सागर में समाए हुए रो कैसे सकते? कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी न आए। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए। तो सदा सुख में खुशी में रहो, कभी रोना नहीं। सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? तो होहनहार राजा क्यों रोते? शक्तियां तो एक सैंपल है। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे? इसलिए कभी नहीं रोना, न आंखों से रोना न मन से। समझा? यह महावाक्य है 7 दिसंबर 1978 के। सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हरेक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं। और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप, तीनों ही स्थिति में अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे साकार बाप को देखा ऐसे फॉलो फादर है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा।
त्रिकालदर्शी न बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आवेंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगी। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती है और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती है। ऐसे बाप समान बने हो, बंधन मुक्त आत्मा बने हो, सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त है। देह के बंधन का कारण है ही देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप के स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास, सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे? अभी तक पहले क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है, ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? किस लाइन में आवेंगे? पाने वाले वा देखने वाले? तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो। पर धर्म में स्थित होना सहज होता है या स्वधर्म में? स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, पर धर्म है देह स्वरूप। तो सहज क्या अनुभव होता है? जैसा नाम है सहज राजयोगी, वैसा ही अनुभव है? वा काम और नाम में फर्क है? दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो?
सदा एक बाप दूसरा न कोई, यह पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। तो पहला वायदा निभाना आता है ना, कहना आता है व निभाना आता है। निभाना अर्थात पाना। इसमें भी चेक करो कि कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं। सदा सर्व आकर्षणों से परे एक ही लगन में मगन है, एक रस है, अचल है वा चंचल है। अगर अब तक चंचल है तो क्या कहेंगे, अभी तक छोटा बच्चा है और स्टेज आकर पहुंची है वानप्रस्थ की। ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता, बचपन की स्टेज अच्छी लगती है? ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिवान का प्राप्त किया है। अधिकार के आगे यह देह व मन के बंधन रह सकते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? सदा यह तीन बातें याद करो, त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। इस स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ का समय बहुत बीत चुका, अब थोड़े का भी थोड़ा सा है। समय के प्रमाण अपनी रिजल्ट चेक करो। इस मेले का भी थोड़ा सा समय रह गया है, इसलिए अब सुना तो बहुत, सुनना अर्थात वाणी द्वारा ही यह ब्राह्मण जन्म लिया, इसलिए मुख वंशावली कहलाते हो। तो जन्म से ही सुनते आए हो, अब क्या करना है? सुनने के बाद है स्वरूप बनना, इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। ऐसी स्टेज कहाँ तक पहुँचे हो? सीजन की रिजल्ट भी क्या? सुनना और मिलना वा समान बनना, स्नेह का सबूत है ही समान बनना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना, ऐसे स्नेही होना। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। बाप दादा यही रिजल्ट देखने चाहता। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। पहला मधुरता और दूसरा नम्रता। इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जावेंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। समझा अभी क्या करना है? यह करना है और कुछ छोड़ना भी है। छोड़ना क्या है? ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने का व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहाँ भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गवाने का, यह पुराने संस्कार
सदा के लिए समाप्त करो, अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो। यह है छोड़ना। तो आप समझा क्या करना है, क्या छोड़ना है? ज्ञानी तो आत्मा अर्थात विजयी। यह महावाक्य है 30 जनवरी 1979 के। तमोगुणी वातावरण से सेफ्टी का साधन बाप का साथ। अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और बाप के अति प्यारे अनुभव करते हो? जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुणी वातावरण से न्यारे रहते हो? तमोगुणी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी हो पाठ बजाते, वह सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटरप्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेगी, ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। किनारा देख माया अपना वार कर देती है। सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सभी बच्चों को मायाजीत बनने का वरदान है, लेकिन मायाजीत का पेपर तो होगा ना। पास नहीं होंगे तो पास विद ऑनर कैसे कहलाएंगे? सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के साथ है। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं? यह तो सर्वशक्तिवान का साथ है तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपनी भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। यह महावाक्य है 30 जनवरी 1979 के। भिन्न संस्कार होते हुए भी उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव न रहे। संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव न रहे। संस्कार तो अंत तक किसके दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार न करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो। क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा कोई न कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहे, यह तो कर सकते हो। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला न सुने, यह तो हो सकता है ना।
मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी है, तो ज़रूर कोई अकल्याण वाले भी है, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले ही न हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे? अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना, या उसको साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ। यह अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। यह महावाक्य है 23 नवंबर 1979 के। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिखी लदे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे थे। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों को प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे, और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हालचाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो बहुत अच्छा पाठ बजाते, विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर है, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के रास को जानने के कारण सदा स्वयं भी से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी
सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े। कई बार सुना है ना, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है, राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, यह बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। यह महावाक्य है 23/11/1979 के। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुँचने नहीं देते हैं, वहाँ ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी ज़रूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी, यह भी छोटी छोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहाँ ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ, नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर। कोई न कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है, इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वह अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पढ़ जाते हैं। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो, बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीबी साकार तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है कभी नहीं होता है, कभी रूह रिहान पहुंचती है
कभी नहीं पहुंचती, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसे मिला है जो बहुरूपी है, जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर कहे हाजिर हो सकते हैं। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। यह महावाक्य है 28 नवंबर 1979 के। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बन जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मज़ा आता है। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। क्या होगा यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वह हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है, फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया फिर उपराम। यह महावाक्य है 7 दिसंबर 1979 के। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर आ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे,
लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप न बदलो, यह है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो? कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो? अगर अपने शान से परे होते तो परेशान होते हो। शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते। संकल्प में भी परेशानी न हो। क्यों शब्द को समाप्त करो? क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है? यह महावाक्य है 7 मार्च 1981 के। नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। सेवा की सफलता के विशेष दो आधार है, वह जानते हो? कई उत्तर निकले, सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट है। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूत होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। एक रस, अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो वा बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा
कभी भी बुरे में भी बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। यह महावाक्य है 11 मार्च 1981 के। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो, साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पार्ट बजाते बजाते पार्ट में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा, प्यारा भी होगा, अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले, जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उसमें भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो, सीट पर बैठकर खेल देखते हो, साक्षीपन है सीट, इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वाह ड्रामा वाह यही गीत गाते रहेंगे। यह महावाक्य है 15 अप्रैल 1981 के। साक्षी हो कर्म करने से बाप के साथीपन का अनुभव स्वतः होता है। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी, जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे, यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है, तो सदा साक्षी इसको कहते हैं। साथ में रहते हुए भी निर्लेप, आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है, न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो।
किसी भी प्रकार की माया का वार न हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों को वार नहीं हो सकता। तो ऐसे हो ना, जैसे फर्स्ट चांस मिला है वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। यह महावाक्य है 2 अक्टूबर 1981 के। साक्षी स्थिति वाले आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। ऐसे अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखूं यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूँ ही आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था, सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि के तरफ, तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्माएं, यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी, भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे, बोलने से नहीं लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप
अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नैनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आंख के मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। यह महावाक्य है 4 अक्टूबर 1981 के। साक्षी बन स्व के प्रति सदा शुभ वृत्ति और रूहानी वायुमंडल के सहयोगी बनो। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है व ऐसा कोई करता है यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। यह महावाक्य है 26 नवंबर 1981 के। कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्म योगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते। कर्मयोगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा,
कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ। तो समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे, सदा न्यारे। ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सेक आ जाए। सदा विकर्माजीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है। यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रालब्ध के निमित्त बनाएगा और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो। यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। यह महावाक्य है 18 अप्रैल 1982 के। ओम शांति।